दोस्तों आज के वीडियो में मैं वो एलएल टेस्ट है वो ऑनलाइन हम किस प्रकार से दे सकते हैं जिसका कंप्लीट प्रोसेस है वो दिखाने वाले हैं। अगर आप है वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएल टेस्ट है वो ऑनलाइन देने के लिए सबसे पहले आपको वो गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और आपको सर्च बार के अंदर है वो आपको यहाँ पे परिवहन सेवा है वो टाइप करना है और इसके बाद में है वो आपको एंटर बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं परिवहन की वेबसाइट है वो सबसे ऊपर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इस पे है वो क्लिक कर लेना है। और इसके बाद में वो parivahan.gov.in की वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको वो ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस पे क्लिक करना है। और इसके नीचे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस पे हमारे को क्लिक करना है। और इसके बाद में वो आपको यहाँ से स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम वहाँ पे अपना जैसे कि स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में वो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टलेस ईकेवाईसी सर्विसेज का ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इसको है वो हमारे को यहाँ से स्किप कर लेना है। तो इसके बाद में वो हमारे को इस तरह का विंडो है वो देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं। और आपको है वो एलएल टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपको वो ऊपर की तरफ वो स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको है वो ऑनलाइन एलएल टेस्ट का ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो इस पे है वो हमारे को क्लिक करना है। और इसके बाद में वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देनी है और कैप्चा कॉपी है वो फिल कर लेना है और इसके बाद में सबमिट करना है। तो चलिए हमें वहाँ पे जैसे कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के वो यहाँ पे सबमिट करते हैं। और इसके बाद में वो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देनी है और इसके बाद में वो यहाँ पे पासवर्ड है वो एंटर कर लेने हैं और इसके बाद में वो आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल डाल के यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। और इसके बाद में वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वो इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसकी जैसे कि एग्जाम की टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे सभी लिखी हुई है आप देख सकते हैं। और आपको है वो जैसे कि पास करने के लिए आपको वो 12% करने अनिवार्य है तो इसको है वो आपको जैसे कि पूरा रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद में वो हमारे को यहाँ पे कंटिन्यू बटन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे कि आपका आवेदक का नाम और एप्लीकेशन संख्या वगैरह है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं आप देख सकते हैं। और आपको है वो यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज को है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप है वो किस भाषा में ये इंटरव्यू है वो देना चाहते हैं। और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद में वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा आप देख सकते हैं। और आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आने लगेंगे और ये प्रश्न है वो सभी को अलग अलग पूछे जाते हैं तो आपको वो अपने हिसाब से यहाँ पे वो सभी प्रश्नों के जवाब है वो देने पड़ेंगे। तो चलिए हमें वो इस प्रोसेस को वो यहाँ पे कम्प्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद में वो आप देख सकते हैं हमने वो इस टेस्ट को वो यहाँ पे पास कर लिया है आप देख सकते हैं। हमने वो 20 में से 15% है वो यहाँ पे सही किए हैं और हमारा टेस्ट है वो यहाँ पे पास हो चुका है आप देख सकते हैं। और आपको वो यहाँ पे अपना आवेदक का नाम और जैसे एप्लीकेशन नंबर वगैरह वो दिख जाएंगे आप देख सकते हैं। और इसके नीचे वो आपको ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल लाल लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से है वो आप इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से है वो आप अपने लर्नर लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट है वो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप है वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की वो नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप है वो लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।